मंडी शहर के स्कोटी चौक पर से हटाए गए वर्षों पुराने बस स्टॉप का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एपीएमसी मंडी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया भी अब लोगों के समर्थन में आखड़े हुए हैं। उन्होंने यहां से बस स्टॉप को बंद करने का कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। संजीव गुलेरिया ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्कोटी चौक के बस स्टॉप से मंडी सदर और बल्क क्षेत्रों की जनता को लाभ मिलता था, लेकिन अब उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुसुम थिएटर के पास नए बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जब तक वह बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक सुकोटी चौक वाले बस स्टॉप को बहाल रखा जाए ताकि अस्पताल आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज तक रिवालसर की तरफ से या कोटली की तरफ से या कठाड़ की तरफ से जो भी ट्रांसपोर्ट आती थी उसको डी ब्रिज के पास रुकती थी। अभी मेरे ध्यान में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से पहले बात की गई थी कि कुसुम थिएटर के पास जो बसेज रुकेंगी, लेकिन वो कार्य अभी निर्माणाधीन है। लेकिन जब तक वो कार्य निर्माणाधीन है तब तक बसें स्कोटी पुल पे ही रुकनी चाहिए, क्योंकि लोगों को सुविधा है, आर्मी कैंटीन जाना है, हॉस्पिटल जाना है, किसी बाजार में बैंक जाना है, तो उनको बसेज का थोड़ी देर का स्टॉपेज वहाँ होना चाहिए। जो अगर नहीं है तो वो गलत बात है। मेरी प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि जब तक वो निर्माणाधीन जो स्पॉट वहाँ पे बन रहा है उसका काम तैयार नहीं हो जाता तब तक 2 मिनट के लिए बसेज का वहाँ ठहराव होना चाहिए। संजीव गुलेरिया ने डिडौर सब्जी मंडी में गुंडा तत्वों द्वारा किए गए आड़तियों पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में जो लोग हथियार लेकर आए उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गुंडा तत्व चाहे किसी भी दल के क्यों ना हो, उन्हें किसी भी लिहाज में बख्शा नहीं जाना चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले कुछ गुंडा तत्व हथियार लेकर डडौर सब्जी मंडी में घुस आए थे और आड़तियों के साथ हाथापाई की थी। देखिए, मेरे ध्यान में भी ये बात आई है कि 2-4 दिन पहले जिस तरह की घटना हमारी डडौर सब्जी मंडी में हुई है, ये बहुत ही समाज के लिए बहुत गलत बात है। जिस तरह दिन दिहाड़े औजार लेके और इस तरह से किसी की प्रेमिसेस के अंदर घुसना है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पुलिस वालों से भी विशेषकर आग्रह रहेगा कि इस तरह के कार्य आगे को ना हो और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हों। इसको पॉलिटिकल ना करके एक असामाजिक तत्वों वाली हरकत जिस भी व्यक्ति ने की है वो बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इसकी कड़ाई से इसके ऊपर जो है तो कार्रवाई की जाए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।